प्रातः क्लास चल रहा था 10 जुलाई 1967। पहले की कीमत में बात चल रही थी, अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। परंतु मेरी आत्मा तो वहां पर जा नहीं सकती है, तुम्हारी आत्मा प्योर बन जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा। देह का भान छूट जाएगा और प्योर शरीर तो यहां इस दुनिया में मिल नहीं सकता। ये पुरानी जूती है, इनसे वैराग आता है। आत्मा को प्योर बना करके फिर हमको भविष्य में प्योर शरीर लेना है। सत्युग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। इस समय हम आत्मा पवित्र बन रही हूं, शरीर पवित्र है। जैसा सोना होता है वैसा जेवर होता है। गवर्नमेंट भी कहती है हल्का सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कमती है। अभी तुम्हारी आत्मा का भाव अथवा वैल्यू बहुत कम है और वहां पर तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है। सतोप्रधान आत्मा होती है ना, अभी तो तमो प्रधान है। खाद पड़ी हुई है, अभी कोई काम की नहीं है। वहां पर आत्मा प्योर है तो बहुत वैल्यू है। अभी तो देखो 9 कैरेट रह गया है तो कोई वैल्यू नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि आत्मा को प्योर बनाओ, आत्मा प्योर बनेगी तो शरीर भी प्योर मिलेगा। ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। बाप ही कहते हैं कि मां में कम याद करो, पता कैसे कहेंगे, वो तो देर आ रही है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, मुझे बाप को याद करो, और कोई भी देर आ रही को याद नहीं करो। गीता में कृष्ण का नाम डाल करके कितना फर्क कर दिया है। अभी तुमको ये बात समझ करके फिर समझानी है। क्या समझना है, कौन सी गीता में कृष्ण का नाम डाला गया पहले? ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में पहले शूटिंग होती है या ब्रॉड ड्रामा पहले चलता है? संगमिली दुनिया में
प्रश्न की आत्मा अंतिम चोले से जब पार्ट बजाती है और उसमें भगवान बाप प्रवेश करते हैं तो गीता का भगवान प्रश्न डाल दिया जाता है। प्रश्न कहो ब्रह्मा कहो बात एक ही है। सतयुग में कृष्ण नाम होता है, अंतिम जन्म में ब्रह्मा नाम होता है और ये ब्रह्मा नाम डालता कौन है? जिनको पिताश्री कहा जाता है जो अपन को आत्मा समझते हैं। ब्रह्मा में श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं वो कृष्ण का कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डालते हैं या जो देह अभिमानी है वो नाम डालते हैं। जो कुखवंशावली ब्राह्मण देवानी है जिनको कृष्ण का चोला ही दिखाई पड़ता है वो गीता में जिसे हम कहते हैं सच्ची गीता मनुष्यों की बनाई हुई नहीं है। स्वयं भगवान की गाई हुई है। उसमें नाम डाल देते हैं पिताश्री ब्रह्मा का। तो ओरिजिनल गीता ही झूठी हो जाती है। तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डालने से कितना फर्क हो गया? तो ये बात तुमको समझ करके फिर समझानी है कि गीता बिल्कुल ही खंडन की हुई है। शिव बाबा तो है ही निराकार। वो तो साकारी है ही नहीं। इस दुनिया में आता है साकार कर धारण करता है तो भी निराकार है। उनका तो अलौकिक जन्म है। प्रवेश करते हैं तो भी अलौकिक दिव्य जन्म है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं कर सकती इस रूप में। जैसे मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती है तो जिसमें प्रवेश होती है आत्मा उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है। उसको अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती है क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी के वाइब्रेशन का दबाव पड़ता है। वो निराकार नहीं है और शिव की सोल तो निराकार है। कोई साकार आकार चेलो एक चोले का दबाव नहीं पड़ता। हल्की फुल्की आत्मा है तो जिसे में प्रवेश करती है उसको अपनी भी स्मृति रहती है। दबाव न पड़ने के कारण चेहरे में मोहरे में कोई परिवर्तन नहीं आता। और जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी ज्ञान सुनती है।
प्रश्न उपद आधा लेकर आज की आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे कि जिसमें प्रवेश करती है वो ज्ञान के वाइब्रेशन में रहती है और तो अपनी शुद्ध बुद्धि ही भूल जाती है। तो शिव का है अलौकिक जन्म, मनुष्य आत्माओं का ऐसा जन्म नहीं हो सकता। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं, तो बच्चे जब निराकारी स्टेज धारण कर लेंगे तो रुद्रमाला के मण के बन जावेंगे। निराकारी स्टेज धारण करने वाले बन जावेंगे, बाप समान बन जावेंगे। अलौकिक है बाप तो बच्चे भी अलौकिक है। उनका जन्म भी अलौकिक है। तो लौकिक पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है ना। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है, बाप तुम बच्चों को एडाप्ट करके वर्षा देते हैं। एडाप्शन होती है, बाप स्वीकार करते हैं तुम मेरे बच्चे हो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले या प्रभावित होने वाले मेरे बच्चे नहीं है। वो पूरे देवान को छोड़ नहीं पाते, इसलिए पूरे 84 जन्म ले नहीं पाते। ब्रह्मा और कृष्ण की सोल के भी 50 साल कम हो जाएंगे और उनके बाद आने वाले जो भी उस जनरेशन के बच्चे होंगे सब के जन्म कम हो जाएंगे। वो सतयुग में लेंगे 8 जन्म और त्रेता में लेंगे 13 जन्म। तुम तो सतयुग में ही कितने जन्म धारण करते हो? 9 जन्म धारण करते हो। तुम जितना सुख पाते हो उतना सुख और कोई धर्म वाला नहीं पा सकता। क्योंकि तुमको बाप एडाप्ट करके बरसा देते हैं। तुम जानते हो कि हम ब्राह्मणों का अलौकिक से जन्म है, अलौकिक बाप से अलौकिक बरसा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बिना और कोई तो विश्व का मालिक बना ही नहीं सकते। तुमको बाप कितना समझाते हैं, जितना तुमको समझाते हैं और तुम जितना समझते हो उतना और कोई धर्म के फॉलोअर्स नहीं समझते। आत्मा जो पवित्र बन गई है वो सिवाय याद के पवित्र नहीं बन सकती। तो याद में ही नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। ये अनेक धर्मों के संग की रंग की खाद होती है
त्रेता में जो आत्माएं उतरती है वो चंद्रवंशी की खाद डालती है, कहेंगे चांदी की खाद पड़ गई सोने में। द्वापर में जो आत्माएं उतरती है वो कापर की खाद डालती है, और कलयुग में उतरने वाली आत्माएं लोहे की खाद डालती है। उनके संग के रंग में हमको रहना पड़ता है इसी दुनिया में, इसलिए बाप कहते हैं मां में कब याद करो। और कोई को याद न करो, नहीं तो खाद रह जाएगी, प्योर बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। सारे विश्व की आत्माओं को पवित्र बनकर के वापस जाना है, शरीर तो वापस नहीं जाएगा। बाप समझाते हैं अपन को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझने में कितनी मुश्किलात होती है। 10 जुलाई 1967 की वाणी का दूसरा पेज। मुश्किलात इसलिए होती है कि धंधे आदि में वो अवस्था नहीं रह सकती है, उसे धंधे में जो भी देह के धंधे हैं, देह का पोषण करने के लिए, बाप तो बेहद का बाप है, बेहद के बच्चों को बेहद का धंधा सिखाते हैं, कहते हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। आखिरी जब सब धंधों में नुकसान आ जाएगा तो धंधे तो सब चौपट हो जाएंगे। तो क्यों ना हम ईश्वरीय धंधे में ही लग जावे, जबकि हमको बाप गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? मेरी सर्विस में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, बाप कहते हैं कि अपन को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को तो याद करो, समझो कि आत्मा ही शरीर से काम कराती है। शिव बाबा माना ही निराकार और साकार का मिल, शिव बाबा को ही आत्मा, शिव बाबा को भी आत्मा याद करती है। याद करने में शरीर की दरकार ही नहीं, याद तो मन बुद्धि रूपी आत्मा करती है ना। तुम आत्मा पहले पहले पवित्र थी तो स्मृति आना चाहिए कि अभी हमें फिर पवित्र बनना है, यही मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है, इस बात में अपन को आत्मा समझने में, यही तुम्हारी तपस्या है। देह को भूलना और आत्मिक स्मृति में रहना, यहां तो देखो कितने बड़े बड़े साहूकार हैं,
उनके पास आना वो खराब बंधन है परंतु इस पाप की दुनिया में ऐसा धंधे दौरे की दुनिया में वो भी सुखी नहीं है। साब के सिर के ऊपर दुख ही मनाया आया है। आज बड़े बड़े राजा प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि हैं, कल उनको मार करके खलास कर देंगे। विलायत में देखो क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर राजाओं पर तो मुसीबत है, यहां पर भी रोज जो राजाए थे वो प्रजा बन गए हैं। यहां भारत में तो बाप ने आकर के राजाई की थी, जन्म जन्मांतर राजाओं का राज्य चला। अभी राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया। देखो राजाओं पर ही हुक्म चलाते रहते हैं, ये है ही पंचायती राज्य। पंचायती राज्य में पांच पंच होते हैं, जो अपना सिर चलाते हैं। पांच पंच इकट्ठे होकर के फैसला देते हैं। राजाओं की राजाएं भी प्रजा ने छीन ली। ड्रामा में ऐसी नूद है, पांच हजार वर्ष के ड्रामा में पिछाड़ी में ऐसे होता है। सारी दुनिया पर प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाता है, पंचायती राज्य। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे, एक दो को अनाज भी नहीं देंगे। कोई चीज कहीं जास्ती होती है तो कहीं कम होती है, तो इस बात पर भी लड़ेंगे। तुम जानते हो कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, तुम गुप्त वेश में दिलवा जान सिकवा प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य अभी ले रहे हो। तुमको पहचान मिली है कि हम तो विश्व के मालिक थे, हम सूर्यवंशी देवताएं थे। क्या बाप से राजाई किसको मिली थी? चंद्रवंशियों को नहीं मिली थी, पहले पहले सूर्यवंशियों को मिली थी। अभी तो फिर वो ही बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर तुम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन रहे हो बाप द्वारा, कि हम नरसे नारायण कैसे बनते हैं। अभी फिर हम कैसे बनेंगे? बाप खुद आकर के राजीव सिखाते हैं। राजयोग सिखाते हैं राजा बनने के लिए, मालिक बनने के लिए। इसके लिए कहते हैं अपने
मन के मालिक बनो श्रीमत पंचतंत्र अपने कर्म इंद्रियों के मालिक बनो श्रीमत पर चल करके ये कर्म इंद्रियों के ऊपर राजा ये बाप के सिवाय कोई सिखा ही नहीं सकता। और देहधारी धर्म गुरु तो माथा ही मोड़ लेंगे, खुद भी गड्ढे में जाते हैं औरों को भी गड्ढे में ले जाते हैं। भक्ति मार्ग में कोई भी राजयोग सिखा ही नहीं सकता। जानते हो इस दुनिया में किसी भी मनुष्य मात्र को राजयोग सिखाने वाला बाप टीचर सदगुरु नहीं कहेंगे। सद माने सच्चा, एक बाप ही सदगुरु है तो ऑटोमेटिक सब झूठे गुरु हो जाते। भक्ति मार्ग में कितनी पुरानी पुरानी कहानियां बैठ करके सुना दी। शूटिंग कहां होती है, कैसे ब्राह्मणों की संग मिली दुनिया में भी जो भक्ति मार्ग का पोषण करने वाले ब्राह्मण हैं भुखवंशावली, वो ज्ञान तो सुनाते ही नहीं है। यज्ञ की पुरानी कथाएं कहानियां बैठ करके सुनाते हैं। फिर बूढ़ी माताएं बच्चों को नींद कराने के लिए कहानियां बैठ सुनाती हैं। तो देखो कैसी घोर अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। तुम कहेंगे ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम वो भगवान बाप के बड़ल्ले बच्चे। तुम बच्चों को बाप ये कहानी सुनाते हैं, 21 जन्म तक विश्राम पाने के लिए। बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो इसे एक जन्म में अज्ञान निद्रा में सुलाए रही है, और तुम कितने जन्म विश्राम पाएंगे। बाप जो कथा कहानी सुनाए रहे हैं सच्ची सत्यनारायण की, वो सत्यनारायण की कहानी सुन करके तुम 21 जन्म पूरा विश्राम पाओगे। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, आधा कल्प ड्रामा अनुसार देह अभिमानी होकर के रहे हो। अभी बाहुबल के आधार पर कोई के ऊपर राजा ही नहीं करो। भोली भाली आत्माओं को बुद्धू नहीं बनाना चाहिए। अभी बाप आया हुआ है, बाप कहते भी है बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, बहुत सावधान होकर चलना है। अब ही देही अभिमानी बन रहे हैं। ड्रामानुसार ये पुरानी दुनिया को बदल करके नया बनाना है। दुनिया तो एक ही है, पहले नई होती है फिर पुरानी होती है, फिर पुरानी दुनिया सो फिर नहीं बनेगी। नई दुनिया थी तो नया भारत था। सत्व प्रधान था,
गया है। अतिस्तना पुराने में भगवान बाप आते हैं, नई दुनिया में तो सब देवी देवताएं थे, वहां पर नेचुरल ब्यूटी थी, वहां आत्मा प्योर हसीन बन जाती है, प्योर आत्मा को शरीर भी प्योर मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन देवता बनाता हूं, आकर बनाता हूं कि आकर ज्ञान सुनाकर चला जाता हूं, फिर तुम हसीन देवता बनते रहते हो। आकर हसीन देवता बनाता हूं, ऐसे ऐसे श्याम को ऐसा सुंदर बनाता हूं। जानते हो और कोई धर्म में इतना काला और इतना गोरा होता ही नहीं। तुम बच्चे अभी जांच करते रहो कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, जांच भी करते रहो और याद में भी रहने, पढ़ाई भी करनी है। ये है बहुत बड़ी पढ़ाई और एक ही पढ़ाई है, उसको लौकिक पढ़ाई में तो कितनी किताबें आदि होती है, परंतु ये पढ़ाई फिर भी ऊंचते ऊंचे, क्योंकि पढ़ाने वाला ही ऊंचते ऊंचे। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक बनता है, शिव बाबा तो इस दुनिया का मालिक बनता ही नहीं। भक्ति मार्ग में क्या याद दिखाते हैं, यादगार कहा जाता है, विश्वपिता विश्वनाथ, लेकिन रूप कैसा दिखाते, मालिक बनता है तो कोई ताज आज धारण करता है क्या? तुम विश्व के मालिक बनते हो, बाप को तो बैग रूप में दिखाया जाता है, कितनी नई नई घुई घुई बातें तुमको समझाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं कि परमात्मा नई सृष्टि का मालिक है, बाप बैठ करके समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं बनता हूं, मैं आकर के तुमको बनाता हूं। तुम मालिक बनते हो और यथार्थ रीति पुरुषार्थ करते हो, मालिक भी बनते हो फिर राज भी गवाते हो फिर मालिक बनते हो, ऐसी दुनिया को फिर विश्व कहा जाता है। मालिक बनने की बात कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन की नहीं है, मूल वतन
से यहाँ आकर के तुम 84 का चक्र लगाते हो। बाप का आना होता है, बाप समझाते हैं कैसे तुमने पहले पहले प्रार्थ पाई, फिर कैसे गवाई, अभी फिर तुमको पुरुषार्थ करवाता हूँ। उस प्रारब्ध को पाने के लिए जिसको तुमने गवाया है, तो ये हार और जीत का खेल है। तुमको हार खिलाने वाला ये रावण कौन है? क्यों उनको जलाते हैं? ये बात भी कोई नहीं जानते। कोई का पुतला जलाते हैं तो क्यों जलाते हैं, कब जलाते हैं? जब कोई बहुत दुख देते हैं तो उनका पुतला बैठ बनाए जलाते हैं। ये रावण भी द्वापर में तुमको बहुत दुख देता नहीं है, तो द्वापर में तुम बैठ पुतला नहीं जलाते थे। कलयुग में जब बहुत दुख देता है तो पुतला जलाते हैं। वास्तव में रावण न सतयुग में होता है न द्वापर कलयुग में होता है। कहाँ होता है? संगमयुग में रावण भी है तो निराकार राम भी। अभी ये रावण तुमको बहुत दुख देता है। रावण राज्य है तब ही उनको जलाते हैं। कौन सी दुनिया की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया में असली रावण राज्य है। तो उनके जी को तुम जलाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि कैसे रावण खलास होता है। बाप कितनी सहज रीति समझाते हैं और बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, बताते हैं कि रावण कौन है और राम कौन है। यहां पर तो मनुष्य मनुष्य को बैठ पढ़ाते हैं। इस दुनिया में तुम तो जानते हो हमें बाप बैठ पढ़ाते हैं। हो तो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हो। ये पढ़ाई के संस्कार तुम्हारी आत्मा में ही रहते हैं। बाप से पढ़ाई पढ़ने के संस्कार और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं में नहीं रहते। तो उन सब की है भक्ति की नाली और तुम्हारी है ज्ञान की नाली। 5000 वर्ष पहले भी तुमने ये ईश्वरीय नॉलेज डायरेक्ट ईश्वर से सुनी थी, कब सुनी थी? बाप समझाते कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो। कौन सी नॉलेज से आत्मा रूपी सुई की बेसिकली कट उतरती है? वो कौन सी नॉलेज है इससे बेसिकली आत्मा की कट उतर जाती है और हम डायरेक्ट बाप से सीखते हैं? बेसिक नॉलेज है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु,
ये बेसिक नॉलेज तुम ही धारण करते हो भली बात। तुम कोई देहधारी मनुष्य गुरु में नहीं फंसने वाले हो, तुम कोई कुखवंशावली ब्राह्मण नहीं हो, मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई ज्ञान की बातों को धारण करते हो। कोई भी देह में फंसने वाले नहीं हो। इसलिए तुम निराकार आत्मा बन जाते हो। वो अधूरे ब्राह्मण वो कवंशावली है, तो ब्रह्मा जी देह को ही याद करते हैं, ब्रह्मा के ही चित्र बनाते रहते हैं, पहले ब्रह्मा को भगवान साबित करते हैं गीता का भगवान, फिर बाद में खुद भगवान बन के बैठ जाते हैं। पहले कहते हैं त्रिमूर्ति शिव है, बाद में त्रिमूर्ति की जगह खुद के चित्र छपाने लग शुरू कर देते हैं। जैसे कि खुद ही त्रिमूर्ति शिव बन बैठे। अभी तुम तो जानते हो, हम कोई कुखवंशावली ब्राह्मण नहीं है, हम तो ज्ञान की असली धारणा करके आत्मा बनते हैं। बिंदु बाप को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बनती है और ज्ञान की सूक्ष्म गहराइयों को एडवांस में सीख लेते, वो भी डायरेक्ट बाप से। तो कहेंगे तुम्हारी आत्मा की कट उतरती है, तब तुम्हारा क्लास ट्रांसफर हो जाता है। बेसिक से निकल कर एडवांस में आ जाते। 10 जुलाई 1967 की वाणी का तीसरा भी। सारी मनुष्य शक्ति भर में ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ाता नहीं होगा। कैसी पढ़ाई? जैसी पढ़ाई बाप आकर के, बाप टीचर सदगुरु बनकर के पढ़ाते, एक ही रूप में बाप भी उसी रूप में, टीचर भी उसी रूप में, सदगुरु भी बनते हैं। किसी को भी पता नहीं है ईश्वर कैसे कैसे पढ़ाते हैं और तुम्हारे में भी कितना फर्क पड़ जाता है पढ़ाई में। तुम्हारी आत्मा जानती है कि पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो पढ़ते थे वो तो कुछ भी नहीं था, तो तुम जानते हो ये नॉलेज की कमाल है। कहां तो हाईएस्ट राजा हैं और कहां फिर प्रजा में भी लोएस्ट बनते हैं। बाप कहते हैं ना, जो जाकर के मेरी निंदा कराते हैं, ग्लानी करते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, बाप प्रजा में जाकर के चांडाल बनते हैं, तो उनका पद क्या कहेंगे? नीच पे नीच पद कौन सा है? बाप तो तुमको राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाते,
फिर चांडाल कैसे बन जाते, दास दासी कैसे बन जाते, भस्मासुर कैसे बन जाते। अपने को ही भस्म करने लग पड़ते हैं, सारी राजाई भस्म हो जाती है। जी जी किंगडम एक बाप ही स्थापन करते हैं। पढ़ाई में देखो कितनी मार्जिन है, ये भी बच्चे जानते हैं कि एक ही बाप है जो इसी दुनिया में आकर के किंगडम स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आए और ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा करके चले जाए फिर तुम किंगडम अपने आप स्थापन करते रहेंगे, नहीं। और बड़े बड़े धर्म पिताएं आए सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले गए, किंगडम कोई ने स्थापन नहीं की, राजधानी स्थापन करके कोई नहीं जाता। ये तो बाप ही है, जो तुमको ज्ञान सुनाने के बाद राजा ही का वर्षा देकर जाते, बाकी तो ये सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं कि बच्चों अब जल्दी जल्दी तैयारी करो, गफलत में आकर के अपना टाइम वेस्ट न करो। याद नहीं करते हो तो मोस्ट वैल्यूएबल समय का नुकसान हो जाता है। शरीर निर्वाह धंधा आदि भल करो, बल क्यों लगा देते हैं, हैं? बल का मतलब क्या है? तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है तो बल करो, हिम्मत है बच्चे मदद बाप। फिर अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो बल अपना पेट पूजा के लिए धंधा आदि करो, फिर भी कम कार्ड दिलियार्ड। बाप कहते मुझे याद करो तो भी राजा ही तुमको मिल जाने। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी हुई है, अल्लाह वाली का भी नाटक दिखाते हैं। अल्लाह है ना, ऊंचते ऊंचे है तो जरूर आकर के ऊंचते ऊंचे राजधानी स्थापन करेंगे। ऊंचते ऊंचे दीन अर्थात धर्म भी स्थापन करते हैं, राजधानी भी स्थापन करते हैं, दिखाते हैं ठक्का करने से खजाना निकल आया। इस बात का ठक्का है ये ज्ञान के डंडे का ठक्का है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि अल्लाह तुमको ठक्का करने के लिए क्या से क्या करते हैं। जट दिव्य दृष्टि से तुम वैकुंठ में पहुंच जाते हो,
आपे ही मिल करके बैठती थी, फिर आप ही ध्यान में चली जाती थी, बोलती थी हम तो जाते हैं बैकुंठ। तो ये भी अल्लाह अवलीन हुआ ना, जो आज में सो अंत में होना है। ये खेल पार आदि फिर भी होगा, स्वप्न और साक्षात्कार की लीलाएं चलती रहेंगी। कितने ध्यान में जाते हैं, पहले भी ऐसे ही हुआ था, पर जादू कहते थे, जादू कह करके फिर बंद करवा दिया। कहते थे कोई जादूगर आया हुआ है, आज में भी कहते थे जादूगर आया हुआ है, आज में तो अंत में भी। तो ये सब बातें इस समय की हैं, हातिम ताई की भी कहानी है, मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, और मुलहरा निकालने पर माया फिर आ जाती थी। अब ये रहस्य तो कोई समझ नहीं सके। बाप कहते हैं बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो, कौन सा मुलहरा है? बाप की याद ही मुलहरा है। तुम आत्मा शांत में अपने स्वधर्म में रहती हो, सचमुच में ये जानती है कि हम आत्मा है, परंतु परमात्मा बाप को कोई नहीं जानते। तो सतयुग के देवता ही ऊंचे ठहरे या तुम ब्राह्मण ऊंचे ठहरे? क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में ज्ञान है, सतयुग में जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा, और वो राजा ही भगवान से लेंगे या देवताओं से लेंगे? वो देवताओं से राजा ही पावेंगे, और तुम डायरेक्ट भगवान से राजा ही पाते। जैसे बोला कि आत्मा रूपी सुई की कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे, रहस्य तो कोई समझ नहीं सकते। जानते हो हमको एक शरीर छोड़कर के दूसरा लेना है, कभी कोई पूछे तो बोलो, वहां स्वर्ग में तो विकार का नाम निशान नहीं होता है, वो तो वॉइसलेस वर्ल्ड है। पांच विकार वहां पर होते ही नहीं है, पांच विकारों का बाप देहाभिमान भी वहां नहीं होता है। रावण को कितने सिर दिखाते हैं? पहले पांच, पहले पांच विकार दिखाते हैं, फिर पांच स्त्री मुख दिखाते हैं, प्रकृति के पंच महाभूत, ये दस सिर रावण के दिखाते हैं, और उनका बाप कौन दिखाते हैं? रावण के सर पर कौन बैठा?
राधा। उस दुनिया में तो देहवान होता है, वहां तो देहवान हो गए नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बांधते हैं, वहां तो राम का राज्य होता है। देह अभिमानी होने का सवाल ही नहीं, वहां पर तो होते ही ये मोहजीत। कौन से मोहजीत राजा की कथा प्रसिद्ध है? राजा हरिश्चंद्र की कथा प्रसिद्ध है। ये कथा कहानियां शास्त्रों में किस युग की है? जरूर संगम युग में मोहजीत कोई राजा हुआ है, शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में एक राजा हरिश्चंद्र था। बात है सब यहां की, तो इस पुरानी दुनिया में तुमको अब नष्ट मोह होना है। ऐसा नष्ट मोह बाप बाप नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, वैराग तो उनको आता है जो घर बार छोड़ करके जाते। उनको तो घर बार नहीं छोड़ना है, बाप की याद में रहते हुए ये पुराना शरीर छोड़ करके घर जाना, सब का हिसाब किताब चुकतू होना। तो घर चले जावेंगे, यही कल कल होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर ऊपर तक जाती है, वो लोग भी देखते हैं कि कहां तक है। पानी फैला हुआ है, समंदर की थाह लेते हैं, तो समंदर की थाह कोई ने पाई है? वो थाह लेते हैं समंदर की थाह पा नहीं सकते। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई मून पर जाने की कोशिश करते हैं, कोई ग्रहों पत्रों पर जाने की कोशिश करते हैं, कोई यथा सागर की थाह लेना चाहते। अभी तुम जानते हो ये सूरज चांद क्या है? वो तो समझते हैं कि वहां देवताएं रहते हैं, है कहां की बात? जानते हो कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं वो असल देवताएं बनती हैं, 16 कला संपूर्ण, और तुम उनको जन्म देने वाले ज्ञान सूर्य बाप के सूर्यवंशी बच्चे बनते हो। बाप है कलातीत और वो देवताएं कलाओं में बांधे जाते हैं। चंद्रमा को 16 कला दी जाती है, सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता।
ये सूरज चांद सितारे इस महादेव की जड़ बत्तियां हैं और तुम हो चैतन्य सितारे। चैतन्य ज्ञान सितारे, चैतन्य सूर्य और चैतन्य चंद्रमा की बात है। चैतन्य नवग्रहों की बात है। अच्छा ओम शांति।